2023 के तीन आधुनिक प्लांट जो एकदम लो इन्वेस्ट कम लागत के अंदर खुद की एक कंपनी बना सकते हो दोस्तों। तो आज वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। जब देखिए ब्लैक जीरा का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसमें से, सबसे पहले सोडा जितना क्वांटिटी सेट किया था उतना जीरा निकल चुका है अभी, उसके बाद हम नेक्स्ट यहां से जीरा का फ्लेवर निकालेंगे। ब्लैक जीरा जो हमने लगाया हुआ है इसके अंदर से ब्लैक जीरा का फ्लेवर निकालेंगे। ये ब्लैक जीरा बन के रेडी हो चुका है, अभी हम इसका ढक्कन यहाँ पे लगाएंगे कैपिंग मशीन में। ये 750 ml का फैमिली पैक बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, इसको भी मैं आपको खोल के बताऊंगा दोस्तों ब्लैक जीरा को। ये अब देखिए इसका क्वालिटी देखिए, स्ट्रॉन्ग देखिए, पावर देखिए दोस्तों, क्या क्वालिटी से सोडा बन रहा है इसका। डबल पावर बूस्टर सिस्टम जर्मन टेक्नोलॉजी का हमने इसके अंदर यूज किया है दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं आता है दोस्तों इसका क्वालिटी के ऊपर, तो घर बैठे दोस्तों हमारी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसका सैंपल टेस्टिंग ड्रिंक मंगा सकते हो दोस्तों। प्लांट आपको कितनी लागत में गिरेगा, एक बोतल बनाने का खर्चा कितने में गिरेगा, और ये प्लांट के अंदर आप कितने ml का ड्रिंक बना सकते हो, और क्या क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो, जैसे कि 200 ml से लेके 200 ml, 300 ml, 600 ml, 750 ml, 1.25 लीटर, 2.25 लीटर, एक ही मशीन के अंदर दोस्तों। मशीन बदलने का जरूरत नहीं है आपको, एक ही मशीन के अंदर खुद का एक कंपनी, खुद का एक फैक्ट्री बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों 2023 की ऑटोमेटिक सोडा फिलिंग प्लांट कम इन्वेस्ट के अंदर कम लागत और छोटी सी जगह से खुद का एक कंपनी, खुद का एक फैक्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। 2023 के तीन आधुनिक प्लांट जो एकदम लो इन्वेस्ट कम लागत के अंदर खुद की एक कंपनी बना सकते हो दोस्तों। तो आज वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। प्लांट आपको कितनी लागत में गिरेगा, एक बोतल बनाने का खर्चा कितने में गिरेगा, और ये प्लांट के अंदर आप कितने ml का ड्रिंक बना सकते हो, और क्या क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो, जैसे कि 200 ml से लेके 200 ml, 300 ml, 600 ml, 750 ml, 1.25 लीटर, 2.25 लीटर, एक ही मशीन के अंदर दोस्तों। मशीन बदलने का जरूरत नहीं है आपको, एक ही मशीन के अंदर खुद का एक कंपनी, खुद का एक फैक्ट्री बना सकते हो। जैसे बाजार में थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला का ब्रांड चल रहा है दोस्तों, वैसे ही अपना एक कंपनी, अपना एक ब्रांड कम इन्वेस्ट के अंदर कम लागत में। तो ये हमारे पास आज तीन जो मशीन दिखाई गई है आपके सामने वीडियो में, ये एकदम लो इन्वेस्ट वाली है, कम लागत वाली, और प्लस ये मशीन दोस्तों 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे से आप चालू कर सकते हो। ये मशीन लगाने के लिए आपको कोई बड़ी जगह, बड़ा स्पेस, बड़ा गोडाउन का रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। आपके पास 10 फुट बाय 10 फुट का अगर रूम या कमरा आपके पास है, तो आप ये कोई भी तीनों में से एक प्लांट लगा के खुद का एक कंपनी, खुद का एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो के अंदर कंटिन्यू आप बने रहिए, तभी आपको मालूम होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, खाली बोतल कितने का आएगा, ढक्कन कितने का आएगा, स्टिकर कितने का आएगा, फ्लेवर कितने का जाएगा, सोडा कितने का जाएगा। टोटली कैलकुलेशन के साथ आज हम आपको ये मशीन की डिटेल्स और जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट लग सकते हैं। सबसे पहली हमारी जो प्लांट है, ये 1+2 की है। एक समय के अंदर आप एक फ्लेवर का प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे कि आज आपको 200 ml का भरना है, तो पूरे दिन 200 ml करो, कल 300 ml, परसों 600 ml, 750 ml, लीटर, 1.25 लीटर, डेली आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भर सकते हो। आज जीरा मसाला, कल ऑरेंज, परसों फ्रूट बियर है, उसके बाद दूसरा फ्लेवर, तीसरा फ्लेवर, मैंगो, पानी, मिनरल वाटर, तो डेली आप प्रोडक्शन चेंज कर सकते हो। एक घंटे के अंदर दोस्तों 200 ml की आप 200 बोतल का प्रोडक्शन ये मशीन के अंदर से निकाल सकते हो। मशीन वन यूनिट है, वन सेटअप है, पूरी इतनी आपके सामने पड़ी है, इतनी मशीन है। इसके अंदर कंप्रेसर, कार्बोनिक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम है, ml मैनेजमेंट सिस्टम है, वाटर टैंक है, सभी चीज एक ही मशीन में इंक्लूड है। प्लस यहाँ पे ढक्कन लगाने के लिए कैपिंग मशीन भी इंक्लूड है इसके अंदर। नेक्स्ट मॉडल हमारा 1+3 का है, यहाँ पे 1+3 मशीन पड़ा हुआ है, जिसके अंदर से एक सोडा निकलेगा, तीन अलग अलग सिरप निकलेगा। सोडा भरा, सिरप भरा, ढक्कन लगा, कैप लगाया, एक समय के अंदर तीन अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे इसमें आपने जीरा मसाला है, जिसमें आपने ऑरेंज है, और जिसमें आपने फ्रूट बियर रखा है। जितना ml का वेरिएशन सेट करना है, यहाँ डिस्प्ले में से आप वेरिएशन को सेट कर सकते हो। ये मशीन की एक घंटे में दोस्तों 250 बोतल की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तीसरा मॉडल हमारा 2+2 मिनी प्लांट दोस्तों, छोटा प्लांट, मिनी प्लांट 2+2।
एक समय के अंदर दो अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हो, एक आदमी यहाँ पे काम करेगा, एक आदमी यहाँ पे काम करेगा। सेट के अंदर जीरा मसाला 750 ml भर रहे हो तो दूसरी साइड अगर आपको 125 L का प्रोडक्शन करना है तो कर सकते है। दोनों साइड ढक्कन लगाने के लिए कैपिंग सिस्टम अलग अलग दिया गया है दोस्तों। 750 ml का हमने जीरा का बोतल का प्रोडक्शन किया है, प्लस यहाँ पे लखनवी जीरा जो बाजार में ट्रेंड है, लखनवी जीरा का प्रोडक्शन 125 L में किया है, 1.25 L में लखनवी जीरा बनाया है। आपके सामने दोस्तों वीडियो में आपको इसका फ्लेवर का प्रोडक्शन करके लाइव बताएंगे दोस्तों फिलहाल। और यहाँ पे हमारा जो मशीन है इसमें हमने प्लेन सादा सोडा बूस्टर सोडा दो दिन पहले का प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं दो दिन पहले ये प्रोडक्शन किया, ये दबता नहीं है, आप देख सकते हैं इसको, इसके ऊपर मैं खड़ा रह जाऊंगा तो भी ये दबेगा नहीं दोस्तों, आप देखिए पूरा हेवी टाइट है, बूस्टर सिस्टम से सोडा बना है, डबल पावर डबल स्ट्रॉन्ग सोडा, जो बाजार में किनली लहर बिस्लेरी की जो सोडा मिलती है उस तरह का स्ट्रॉन्गनेस और पावर सिस्टम ये मशीन के अंदर हम आपको करके देंगे, क्योंकि ये मशीन में हमने जर्मन टेक्नोलॉजी की बूस्टर सिस्टम ये मशीन में लगाई हुई है फिलहाल दोस्तों। अभी हम आपको इसमें से लाइव प्रोडक्शन करके बताएंगे, इस तरह का 750 ml का बोतल का आपको प्रोडक्शन करके दिखाने वाले दोस्तों। यहाँ पे 125 L का भी प्रोडक्शन करना है तो आप 125 L भी कर सकते हो फिलहाल। अभी हम इसको आप 125 L आप देखिए यहाँ पे ये बोतल का, इसको अगर साइज आपको 200 ml करना है तो ये ट्रे को आपको ऊपर लगा देना है, इसको आपको ऊपर लगा देना है अगर आपको 200 ml करना है। ये ट्रे है इसका, इसको एडजस्टेबल है, जो बोतल का प्रोडक्शन कर रहे हो वो बोतल आप ये हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल अभी 200 ml का बोतल आप भरना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसको आप ऐसे 200 ml का बोतल का प्रोडक्शन भर सकते हैं। और भी इसको ऊपर करना है तब एवरेज आ जाएगा इसका, आप देखिए अभी हम उसको और ऊपर करके बताएंगे। ये अभी हम 200 ml का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो ये 200 ml का प्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आपको सोडा फिल ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फ्लेवर डाला है उसको सिरप फिल ले लेना है, तीसरा नंबर पे यहाँ पे आपको ढक्कन कैप लगा देना है। अभी हम मशीन में से आपको 125 L का प्रोडक्शन करके दिखाने वाले दोस्तों। 125 L मतलब 1.25 L का बोतल का प्रोडक्शन करके दिखाएंगे। ये हमने ट्रे जाली लंबा कर दिया इसका, ये आप देखिए ये आ गया 125 L का लेवल आ गया हमारा। सबसे पहले यहाँ पे हम बटन दबा के हमने सेट किया है कि 125 L के अंदर हमारे को अराउंडली 1.1 L अराउंडली सोडा गिरना चाहिए इसमें से, आप देखिए 1.1 L सोडा का सेटिंग आना चाहिए, तो वो हिसाब से सोडा आके ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा इसमें। ये आप देखिए सोडा फिल हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे लखनवी जीरा जो है उसका हम फ्लेवर लेंगे यहाँ से। ये आप देखिए लखनवी जीरा का फ्लेवर का प्रोडक्शन आ रहा है, एकदम बूस्टर सिस्टम के साथ डबल पावर सिस्टम के साथ क्वालिटी बन के आ रहा है इसके अंदर। ये आप देखिए जितना आपने सेट किया है उतना ही गिरेगा, ना एक बूंद ज्यादा गिरेगा ना एक बूंद कम गिरेगा। प्लस यहाँ पे ढक्कन लगाने के लिए कैपिंग दिया है, ये मशीन के अंदर आप ढक्कन लगा सकते हो ऐसे। अब देखिए ये आपका बोतल बनके तैयार हो चुका है लखनवी जीरा का बेस्ट क्वालिटी का। इसके ऊपर खाली अपनी ब्रांड का स्टिकर लगाओ और 6 पीस का जो आपने पैकेट बनाया है पैकेट बना के बाजार में छोड़ दो। ये आपका मटेरियल तैयार, ये आपका प्रोडक्शन फैमिली पैक रेडी हो चुका है। कितने का ये कॉस्टिंग पड़ेगा नेक्स्ट हम बताने वाले दोस्तों। अभी फिलहाल हम इसमें से 750 ml का प्रोडक्शन करके दिखाएंगे आपको। 750 ml के लिए थोड़ा हम इसको ऊपर ले लेंगे, ये ट्रे जाली को थोड़ा ऊपर ले लेंगे यहाँ से। अभी हम इसमें से 750 ml का प्रोडक्शन करके दिखाएंगे दोस्तों आपको। ये नल पे हमने 750 का सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले में से किया है, अभी आपने 125 L बना के दिखाया, अभी हम इसमें से 750 ml का ब्लैक जीरा बना के दिखाएंगे आपको। अब देखिए ब्लैक जीरा का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसमें से। सबसे पहले सोडा जितना क्वांटिटी सेट किया था उतना जीरा निकल चुका है, अभी उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से जीरा का फ्लेवर निकालेंगे। ब्लैक जीरा जो हमने लगाया हुआ है इसके अंदर से ब्लैक जीरा का फ्लेवर निकालेंगे। ये ब्लैक जीरा बन के रेडी हो चुका है, अभी हम इसका ढक्कन यहाँ पे लगाएंगे कैपिंग मशीन में। ये 750 ml का फैमिली पैक बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आपको प्लेन सादा सोडा भरना है जो बिस्लेरी किनले लहर टाइप का सोडा भरना है तो हम सिर्फ यहाँ से प्लेन सोडा ही लेंगे, इसका वेरिएशन बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, इसको हम क्वान्टिटी बढ़ा देंगे यहाँ से। अभी इसमें से खाली प्लेन सादा सोडा पूरा भर के निकलेगा इसमें से, ओनली सादा सोडा। अब देखिए ये भर चुका है ऑलरेडी, अभी हम इसका ढक्कन लगा देंगे।
ये प्लेन सादा सोडा का बोतल का प्रोडक्शन रेडी हो चुका है। ये हमारा जो ब्लैक जीरा बनाया था उसका प्रोडक्शन है। इसको भी मैं आपको खोल के बताऊंगा दोस्तों, ब्लैक जीरा को आप देखिए। इसका क्वालिटी देखिए, स्ट्रॉन्ग देखिए, पावर देखिए दोस्तों, क्या क्वालिटी से सोडा बन रहा है इसका। डबल पावर बूस्टर सिस्टम, जर्मन टेक्नोलॉजी का हमने इसके अंदर यूज किया है दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं आता है दोस्तों इसका क्वालिटी के ऊपर, तो घर बैठे दोस्तों हमारी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके इसका सैंपल टेस्टिंग ड्रिंक मंगा सकते हो दोस्तों। इस तरह का 1.25 लीटर का बोतल भी आपको अगर निकालना है तो अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देखिए, ये लाहौरी जीरा है। अब देखिए इसका पावर आपको यहाँ से मालूम होगा कितना स्ट्रॉन्ग और पावर है इसका बबल्स के हिसाब से। ये तो हमने आपको 1.25 लीटर तक का बताया है, बाकी आप मैक्सिमम 1.25-2 लीटर तक बोतल का प्रोडक्शन ये मशीन के अंदर कर सकते हो। जितना आपको एमएल वेरिएशन मैनेजमेंट करना है वो हिसाब से आप सेट कर सकते हो। स्पीड अगर आपका कम है, नया टीम है, तो इसका फ्लो का भी वेरिएशन आप कम ज्यादा स्पीड भी इसका नोजल के हिसाब से कर सकते हो। अभी दोस्तों जैसे हमने आपको बताया, कॉस्टिंग की बात करूँ दोस्तों तो मैं इसकी आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ। एक बोतल आपको कितने का गिरेगा दोस्तों, जैसे कि हमारे पास 200 ml का बोतल है जो बाजार में 10 रुपए में बिकता है। ये अगर आप बोतल एक बनाते हो, खाली बोतल आपको 2 रुपए का एक बोतल गिरेगा, और इसका ऊपर का कैप है 60 पैसे का कैप गिरेगा। 2 रुपए का बोतल 60 पैसे का कैप गिरेगा दोस्तों। इसके अंदर जो मटेरियल आप कोई फ्लेवर भरेंगे, जीरा मसाला, ऑरेंज फ्रूट बियर, कोला, जो भी फ्लेवर भरेंगे, अराउंडली 80 पैसे का मटेरियल जाएगा इसमें। 40 पैसे का इसका स्टिकर है, जो स्टिकर लगाया हुआ है 40 पैसे का स्टिकर है। 50 पैसा इसका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है, हाउस रेंट है, दुकान का जो भाड़ा, गोडाउन का जो भाड़ा 8,000-10,000 किराए पे आप लेते हो, और इलेक्ट्रिक पावर एक बोतल के ऊपर 50 पैसे का मिला के इलेक्ट्रिक और हाउस रेंट मिला के होता है दोस्तों। नेक्स्ट हो गया 24 पीस का आप कैरेट बनाएंगे तो 10 पैसे का एक बोतल पे खर्चा गिरेगा आपको, और 10 पैसा अदर खर्च, साफ सफाई का, क्लीनिटी का 10 पैसा अदर खर्च जोड़ दो आप, 4.5 रुपए में ये बोतल आपको दोस्तों गिरेगा। 4.50 रुपीज में ये बोतल आपको बाजार में सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके वहाँ बोतल थोड़ा महंगा गिरता है 10-20-30 पैसा, तो भी आप मैक्सिमम 5 रुपए तक एवरेज गिन सकते हैं इसकी। नेक्स्ट बोतल हो गया दोस्तों 750 ml का बोतल हो गया। इसमें हमारे पास 300 ml का भी कॉस्टिंग है, लेकिन हम आपको 750 ml का कॉस्टिंग बताएंगे। खाली बोतल आपको 5.10 रुपए का गिरेगा, उसके ऊपर का ढक्कन सेम लगता है सब में, इसलिए 60 पैसे का ढक्कन लगेगा। 3.30 रुपए का मटेरियल, फ्लेवर, शुगर सब मिला के 3.30 रुपए का जीरा का फ्लेवर जाएगा। 1 रुपए का इलेक्ट्रिक और लेबर रहेगा आपको। 1.40 रुपए का इसका स्टिकर लगेगा इसमें। 0.40 पैसे का 24, आप जिसमें अराउंडली बड़ा बोतल है तो अराउंडली 16 बोतल या 18 बोतल का पैकेट बना सकते हो, तो एक बोतल पे आपको 40 पैसे का बंच के हिसाब से कॉस्टिंग गिरेगा। और 30 पैसा अराउंडली आपको अदर खर्च में जोड़ दो, मैक्सिमम 12.10 रुपए का आपको ये बोतल गिरेगा। लैंडिंग आपकी पड़तर, आपकी परचेस 12.10 रुपए में, बाजार में कितने में सेल करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या रेट में आपको मार्केट में छोड़ना है इसको। उसके बाद दोस्तों 1.25 लीटर का बोतल है, 1.25 लीटर का बोतल है, 7.20 रुपीज, 7.20 रुपीज के अंदर खाली बोतल, 60 पैसे का कैप, कैप समान रहता है, सबका रेट सेम है। 5.50 रुपए का इसके अंदर जो फ्लेवर फील किया है, जीरा है, ऑरेंज है, फ्रूट बियर, कोला, कोई भी है, 5.5 रुपए का फ्लेवर जाएगा। 1.70 रुपए इलेक्ट्रिक, लेबर और रेंट। 2.30 रुपए का इसका स्टिकर, बड़ा साइज का बनेगा इसलिए 2.30 रुपए का स्टिकर लगेगा। 60 पैसे का बंच पैकेट, जो 24 पीस का कैरेट बनाते हो, इसका कैरेट बनेगा अराउंडली 6 या 8 बोतल का कैरेट आपका बनेगा, अराउंडली 60 पैसा एक बोतल पे खर्चा पड़ेगा। 0.50 पैसा इसका हो गया अदर खर्च, बाकी का ऊपर नीचे का छोटा मोटा खर्च, मैक्सिमम 18.40 पैसा, 18.40 रुपीज 40 पैसे में 1.25 लीटर का बोतल का प्रोडक्शन होता है बाजार में। आई थिंक मेरे हिसाब से थम्सअप या कोई कंपनी का ड्रिंक लेते हो तो 50 रुपए का एक बोतल आता है लीटर या 1.25 लीटर का। आपको ये बोतल पड़ेगा, कोई भी फ्लेवर का आप बनाएंगे मार्केट में छोड़ने तक 18.40 रुपीज 40 पैसे का एक बोतल पड़ेगा। और मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये छोटी सी प्लांट के अंदर ये सब बनता है, उसके लिए आपको कोई बड़ा प्लांट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ी प्लांट लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस दोस्तों मशीन के साथ दोस्तों हम पूरा पैकेज देंगे, तो आपको खाली मशीन नहीं देते दोस्तों, मशीन के साथ कंप्लीट मशीन है। इसको बोतल खाली धोने के लिए बोतल वॉशर है, फ्लेवर बनाने के लिए फ्लेवर मिक्सर है, मिनरल वाटर आरओ वाला पानी के लिए 100 लीटर्स का आरओ प्लांट साथ में देते हैं, 24 पीस या 20 पीस का पैकेट बनाने के लिए हॉट गन है, तारीख लगाने के लिए हैंड ऑपरेटेड डेट गन है, प्लस
प्लस मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आप जो फ्लेवर सिलेक्ट करेंगे 10,000 बोतल तक भरेंगे उतना आपको कॉम्प्लीमेंट्री में फ्लेवर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में आप जब मशीन हमारे से लेंगे तो इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग के लिए दोस्तों हमारी कंपनी में से टीम आएगी आपके वहां पे, 1 से 2 दिन आपके वहां रुकेंगे, पूरी मशीन चालू करेंगे, बनाएंगे आपके सामने सोडा, बनाएंगे फ्लेवर, बनाएंगे टेस्टिंग चेकिंग करके आपको 100% ट्रेनिंग देके जाएगी हमारी टीम दोस्तों। इसके अंदर हमारे पास और सारे बहुत बड़े बड़े भी मॉडल्स है, अगर आप बड़े लेवल से काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर बड़े भी मॉडल है हमारे पास। 1 घंटे में अराउंडली 400 बोतल, 1 घंटे में 1,000 बोतल, 1 घंटे में 2,000 बोतल, 1 घंटे में 3,000 बोतल तक की मशीन हमारे पास अवेलेबल है। तो ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस नए नए बिजनेस आइडिया, नई नई ग्रो अप, नई नई मशीनरी आपके लिए लेके आती है दोस्तों। तो इस तरह की मशीन की ज्यादा डिटेल के लिए कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।